साइड का जो टाइल के बाजू का जो टुकड़ा है वो कटिंग कर रहे हैं अभी। ये पूरा गुणिया में बना के कटिंग कर रहे हैं, इसको टाइल के ब्लेड से कटिंग कर रहे हैं। जो वेट्रपाइट टाइल्स आती है उसकी जो ब्लेड आती है प्रश्न, उससे कटिंग कर रहे हैं कंप्लीट इसको। अभी इसका पूरा अलग वीडियो आएगा। इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, नेत्र नहीं निकलते इसकी ग्रेनाइट के। ये जो जॉइंट देख रहे हैं, ये जॉइंट एकदम बारीक आता है इसका। टाइल की ब्लेड से अगर कटिंग करते हैं अपन तो इसका देख सकते हैं, अभी बिल्कुल बारीक जॉइंट आया हुआ इसका। अभी इसका फिटिंग कैसे कर रहे हैं वो भी एक आइडिया मिल जाएगा इसको। ये जो टाइल देख रहे हैं ये 2x4 की टाइल्स है जो ये टॉयलेट में लगी हुई है, वो बता देता हूँ आपको। टॉयलेट ये इधर बाजू में टॉयलेट है, इसमें लगी हुई है कंप्लीट टाइल प्लेन। यही टाइल राइजर में यूज़ कर रहे हैं उधर स्टेयर्स में। ये कंप्लीट स्टेयर्स फिटिंग चालू है अभी इनका। फिटिंग का भी एक बता देता हूँ आपको मैं सीन, कैसा फिटिंग हो रहा है इनका कंप्लीट। इसमें जो साइड से टुकड़ा देख रहे हैं ग्रेनाइट का, ये इसमें 6 इंची का है। और ऊपर जो स्टेयर्स हैं, ऊपर का जो लैंडिंग के ऊपर जो स्टेयर्स आएंगे उसमें बड़ा है टुकड़ा, उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो बीच का जो टुकड़ा इसका 2 फुट का लिया वो सेम बताया इसमें, जो ग्रेनाइट के जो टुकड़े हैं उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है ऊपर। ये डबल इसमें फिटिंग कर रहे हैं, इसमें बीच में वाइट आर्टिफिशियल पट्टी है 2 सूत की, और ऊपर नीचे इसमें ब्लैक ग्रेनाइट ही यूज़ किया हुआ है। और बीच में इसमें जो प्लेन टाइल देख रहे हैं, इसकी जगह दूसरी टाइल भी ले सकते हैं 2x4 की वाइट टाइल, या इसमें डिजिटल में भी आती है 2x4 के अलावा, इसमें प्लेन वाइट टाइल्स आती है डिजिटल की, जो 2x4 की या 2x2 में मिल जाती है अपने को। अभी देखते हैं इसकी फिटिंग कैसी चालू है वो देख सकते हैं, इसका अभी एक आइडिया ले सकते हैं फिटिंग का। सबसे पहले देख सकते हैं इसको पूरा मार्किंग कर लिया हीरा करनी से, और बाद में इसको गोनिया में फिटिंग कर रहे हैं, और बाद में फेविकिक लगा रहे हैं जिससे इसको चिपका लेगा और हिलने का डर नहीं रहेगा। अभी इसमें अगर एक टुकड़ा गोनिया में ले लिए तो उसके हिसाब से दूसरा टुकड़ा भी उसी के हिसाब से गोनिया में आ जाता है ऑटोमेटिक, और टाइम ज़्यादा लगता नहीं इसमें। फिर एक टुकड़े को गोनिया में लेने के बाद में दूसरे टुकड़े को गोनिया देखने की ज़रूरत नहीं रहती इसमें। ये जो टुकड़े देख रहे हैं ये 9 इंची चौड़ाई ली हुई है, और जो नीचे के स्टेयर्स है उसमें 6 इंच का टुकड़ा आया हुआ है। इसकी जो लंबाई की बात करें तो लंबाई इसमें ज़्यादा आ गई और उसमें लंबाई की कम है, इसलिए इसमें टुकड़े का फर्क आ गया ग्रेनाइट का। नीचे इसकी मार्किंग ले लेंगे तो अपने को सीधा देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेंगे, बार बार इसमें पट्टी भरने की जरूरत नहीं। नीचे मार्किंग कर लिया तो उसके हिसाब से इसको प्राइजर को खड़ा कर सकते हैं। पीछे इसमें पूरा रेती माल ही यूज़ कर रहे हैं, जो सादा सीमेंट आती है वो यूज कर रहे हैं इसके अंदर पूरा कम्प्लीट। पीछे से इसको अभी सीमेंट लगा रहे हैं, सादा सीमेंट ही है, कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे इसके अंदर। बाद में इसमें रेती माल और सीमेंट का पानी डालना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और भी ऐसे ऐसे नई आइडिया की वीडियो आते रहते हैं फिटिंग के साथ में। उसको गलती से दूसरी साइड से पट्टी चिपका दिया, इसलिए उसको कटिंग कर रहा है अभी। कैसे लंबाई में 42 इंच के आसपास है, और चौड़ाई में इसको 10.25 इंच लिया हुआ है। पैर रखने की जगह है 10.25 इंच है इसकी, और लंबाई इसकी 42 इंच है कंप्लीट। ये सीमेंट का पानी रेती में मिक्स करके और उस राइजर के पीछे लगाएंगे अभी, और बाद में इसमें ऊपर का जो लेवल है वो लेवल देख के उसके हिसाब से टप्पा फिटिंग होगा इसका। ये रेती माल लगा रहे हैं पूरा इस राइजर के पीछे। किरण थोड़ा बाबू क्या मंगरा के पास।
केराइजर के हिसाब से इसको मार्किंग कर लिया हीरा करने से पूरा, तो इसके हिसाब से बार बार पट्टी नहीं देखनी पड़ती अपने को और फिक्स साइज हो जाती इसकी चौड़ाई। पूरा साफ सफाई होने के बाद में ये जबरदस्त दिखेंगे दिखने में। और इसमें दूसरा कलर का भी टाइल्स या दूसरे कलर का ग्रेनाइट भी यूज़ कर सकते हैं। एक स्टेप का वीडियो आया हुआ है पहले, उसमें रेड कलर का यूज़ किया हुआ है, बीच में राजू वजू से ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, वो भी देख सकते हैं आई बटन में उसका लिंक, वो चेक कर सकते हैं वीडियो कैसा लग रहा है। ये भी रेट भी ज़्यादा आने की वजह से इसमें ये ट्रस्ट जा रही है कंप्लीट। इसके बीच में पूरा रेती माल भर रहा है, इसमें सीमेंट का जो माल आता है वो कंप्लीट इसमें फिनिशिंग कर दिया है, उसके ऊपर रेती माल डाल के और बाद में इसका ऊपर का टप्पा फिटिंग करेंगे। अब ये पट्टी की लेवल से इसको माल आ जाएगा रेती माल पूरा। ये पट्टी इसलिए लगाई जा रही है, नीचे जो व्हाइट पट्टी देख रहे हैं व्हाइट पट्टी के नीचे एक 1.5 इंच की ग्रेनाइट की पट्टी है, तो उसकी लेवल से इसको रेती माल को लगाना है, उसके बाद में रेत सीमेंट पानी डाल के फिटिंग करना है। इसमें नॉर्मल स्लोप लिया हुआ है जो आगे की साइड से, इसमें एक सूत का स्लोप लिया हुआ है जिससे कभी पानी डालते तो पानी आगे नहीं रुकता, वो पूरा सामने चला जाता है। ये पट्टी के लेवल से पूरा माल डाल दिया इसमें, अभी पूरा सीमेंट पानी डाल के फिटिंग करेंगे इसका। ये सादा सीमेंट पानी डाल रहे हैं इसमें, अभी सीमेंट और पानी मिक्स है इसके अंदर, केमिकल की ज़रूरत नहीं इसमें केमिकल मिक्स करने की। और सामने धार में अभी सीमेंट लगाएंगे जिससे इसकी पकड़ अच्छी रहती हो, खाली नहीं रहता सामने की धार। इसमें जो रेती माल है उसमें भी हल्का सीमेंट मिक्स किया हुआ है, उसके बाद में इसमें सीमेंट पानी डाल रहे हैं। अब वो सामने की जो धार देख रहे हैं पट्टी के बाजू की, उसमें सीमेंट लगाएंगे और बाद में ये फिटिंग होगा पूरा। अभी ये सीमेंट लगा रहे हैं धार के अंदर। जिससे सामने का जो जॉइंट रहेगा वो खाली नहीं रहेगा और टप्पा खाली रहने का चांस नहीं रहेगा सामने की धार, जो टप्पी के पट्टी जो देख रहे हैं नीचे की, वो पट्टी के नीचे खाली नहीं रहेंगी, जगह पूरी पैक रहेंगी सीमेंट से। अभी फिटिंग करेंगे इसकी टप्पे की, पीछे इसको कुछ भी नहीं लगाया, और एयर बाइट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती इसको पीछे। वो जो मार्किंग देख रहे हैं वाइट उसके ऊपर राइजर खड़ा हो जाएगा इसका दूसरा भी ऊपर। इसमें नॉर्मल स्लोप लिया हुआ है सामने की तरफ से। सामने से इसको पूरा फर्मा बनाया हुआ है 2 सूत का, जो दो राइजर से 2 सूत बाहर है कंप्लीट, और साइड से भी 2 सूत ही बाहर है। जो खड़ा राइजर लगाते हैं उससे 2 सूत बाहर निकाला हुआ है, इधर साइड से भी राइजर से 2 सूत बाहर निकाले हुआ है इसको। परमा बनाया हुआ है उससे चेक कर रहे हैं अभी पूरा इसको तीनों साइड से। ये तरीके से स्टेज फिटिंग हो रहे हैं, अभी आगे का वीडियो में पूरा लैंडिंग में क्या लगेगा इसमें वो भी आइडिया आ जाएगा, अभी आगे के वीडियो में आएगा वो पूरा कंप्लीट फिटिंग होने के बाद में, इसका पूरा साफ सफाई होने के बाद में एक वीडियो और आएगा, साइड पट्टी कौन सी लगेंगी इसको वो भी एक वीडियो आ जाएगा उसका कंप्लीट। स्टार्टिंग बाकी है अभी इसको लगाना, लैंडिंग का फ्लोरिंग बाकी है। आगे की वीडियो देखने के लिए अगर यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसे नई नई डिज़ाइन की वीडियो देखने के लिए। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे नए नए वीडियो आते रहते हैं।